भारतीय संस्कृति के संवाहक एवं नववर्ष एवं संवत्सर 2076 के आगमन तथा नवरात्र के प्रारंभ होने पर यमुनानगर जिले के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक लोगों ने सुख सागर पैलेस में नाच गाकर इस अवसर का स्वागत किया तथा दूसरी ओर सुबह सवेरे यमुना घाट पर सूर्योदय को जल दिया गया। इसके साथ ही झंडा रसन की गई, हवन यज्ञ किया गया और इस अवसर पर बहुत से लोग उपस्थित थे, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में थे विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व मेयर मदन चौहान। इनके साथ ही महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने नव संवत 2076 की सभी को शुभकामनाएं दी। नव संवत्सर आयोजन समिति, कृष्ण कृपा सेवा समिति, मानवोदय सेवा संस्थान और समाज के कई अन्य धार्मिक सामाजिक संगठनों ने आज नव संवत 2076 की पूर्व संध्या पर भजन सत्संग का कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम समाज की भावी पीढ़ी जो है, अपनी भावी पीढ़ी जो है, उसको अपनी प्राचीन परंपराओं से जोड़ सकते हैं। हमारी परंपराएं कितनी महत्वपूर्ण थी, हमारी परंपराओं का क्या महत्व था और उन परंपराओं पर चलते हुए किस प्रकार हम समाज को जागृत रख सकते हैं और समाज में जागृति प्रदान रखते हुए, जागृत रखते हुए किस प्रकार उनको देशभक्ति के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ सकते हैं और अपने तीर्थ स्थानों का क्या क्या महत्व है, ये सारी जानकारी इस प्रकार के आयोजनों द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग को दी जाती है। जिन्होंने, जिन संस्थाओं का नाम मैंने पूर्व में लिया, उन्होंने ये भव्य कार्यक्रम आयोजन किया। मैं नव वर्ष विक्रमी संवत 2076 की पूर्व संध्या पर समाज के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, उनके सुखी जीवन की, समृद्ध जीवन की उनको, उनसे अपेक्षा रखता हूं कि उनका उज्जवल भविष्य हो, सुखी रहें, समृद्ध रहें और ये सब करते हुए देश की सेवा करें। आज जो भारतवर्ष में विक्रम संवत का जो कल नववर्ष होने वाला है, मैं उसकी पूर्व संध्या पर अपने देशवासियों को और नगरवासियों को इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि ये जो नव वर्ष आ रहा है, नवरात्रों से शुरू होता है, ये देश की खुशहाली के लिए, समाज की खुशहाली के लिए और भाईचारे के लिए जो अब ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, इस त्यौहार की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। यद्यपि पूरे वर्ष, पूरे विश्व में इस समय 1 जनवरी को ही नव वर्ष की मान्यता के रूप में स्वीकारा जा रहा है, लेकिन कोई भी पक्ष देखें, यदि व्यावहारिक, वैचारिक, सैद्धांतिक, आध्यात्मिक, तो आपको दिखेगा कि अपना जो नव संवत्सर के रूप में नया वर्ष है, वो हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मौसम की बात है उसके अनुरूप देखें, ऋतुओं की बात है उसके अनुरूप देखें, नई फसलों की बात है उसको भाव से देखें, और या फिर एक और व्यवहारिक पक्ष सीधा सीधा देखें। नव संवत के दिन पहला नवरात्र होता है और नवरात्र हमारे यहाँ शक्ति की उपासना का प्रतीक, मांगलिकता का प्रतीक, शुभता का प्रतीक, शुद्धता का प्रतीक, जड़ता से चैतन्यता का प्रतीक माने जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा का प्रतीक माने जाते हैं। और यही कारण है कि नवरात्र प्रारंभ होते ही कहीं अखंड ज्योत, कहीं वैसे दीप प्रज्वलन, ये सब प्रारंभ होता है, कहीं श्री रामचरित मानस के पाठ प्रारंभ होते हैं, क्योंकि नवरात्र पूरे होते ही श्री राम नवमी, भगवान राम का अवतरण आ जाता है, कहीं दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत, इस सात्विक वातावरण के साथ हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।